नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मैंने विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से मिल सके इस प्रयास को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं कड़ी मेहनत। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति देने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की जा रही है और कर्मचारी इसको लेकर दिन रात एक सफल योद्धा की भांति अपने कार्य में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार पूरे प्रदेश भर में गर्मी ने सबके छक्के छुड़ा रखे हैं और रोजाना का तापमान भी औसत 48 डिग्री या इससे अधिक जा रहा है और तापमान की वजह से बार बार फॉल्ट सहित तार टूटने सहित अर्थिंग आदि की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर कर्मचारी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं कुछ कर्मचारियों ने बताया कि तापमान की वजह से विद्युत आपूर्ति को लेकर कई समस्याएं आ रही हैं और सबसे ज्यादा लोड अधिक होने की वजह से वोल्टेज की और वोल्टेज कम ज्यादा की वजह से बार बार लाइन फॉल्ट हो रही है। साथ ही सबसे ज्यादा दिक्कतें तो रात में एयर कंडीशनर एवं कूलर फ्रिज के लोड की वजह से आती है, जिससे ठीक करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुचारू रूप से मिल सकेगी। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम हमारे यहाँ, साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर सेपो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 94-1457-3770, निर्देशक इंदर सिंह पवार, मोबाइल नंबर 8005888939। शहीद महेंद्र सिंह दिवाकर की पुण्यतिथि में कई कार्यक्रम आयोजित। राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल शहीद महेंद्र सिंह की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठन द्वारा कार्यों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। न्यायालय परिसर में शरबत के प्याऊ लगाए गए, जहां लोगों को ठंडा शरबत वितरित किया गया, तो वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए गुलाबबाग स्थित ट्रैफिक पॉइंट पर पानी के मटके रखवाए गए, जिससे लोगों को शीतल जल यहां पर उपलब्ध हो सके। यातायात पुलिस कर्मियों ने इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे भीषण गर्मी में लोगों को और राहत मिलेगी। अन्नपूर्णा रसोई योजना में जरूरतमंदों को भोजन कराया गया तथा शहीद महेंद्र सिंह की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद जगदा ने कहा कि शहीद महेंद्र सिंह दिवाकर रजक समाज के रत्न थे, जिन्होंने रजक समाज का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। आज 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम रजक समाज की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज शहीद महेंद्र सिंह जी की 12वीं पुण्यतिथि पर कोर्ट परिसर में इस गर्मी में शरबत की व्यवस्था की गई है और ये इस गर्मी को देखते हुए महेंद्र सिंह जी की स्मृति में याद में ये सब। सरमथरा पुलिस ने विगत 2 माह में की ताबड़तोड़ कार्यवाही। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने जुआ, सट्टा, अवैध खनन, अवैध हथियार और अवैध शराब मामलों में कार्यवाही। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश के निर्देशन एवं जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के नेतृत्व में सरमथरा पुलिस द्वारा पिछले 2 माह में विशेष रणनीति बनाकर अवैध कार्यों की रोकथाम एवं इनामी व वांछित अपराधियों की धरपकड़ उल्लेखनीय कार्य किया है। सरमथरा पुलिस ने थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में विगत 2 माह में ताबड़तोड़ कार्यवाही कर अवैध हथियारों, अवैध शराब, जुआ और सट्टा के खिलाफ विशेष कार्य योजना बनाकर इनके ठिकाने चिन्हित कर पुलिस टीमों द्वारा दबिशे देकर इनमें संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं, जिसमें सरमथरा पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने साथ में 7 अवैध देसी कट्टे, 1 टोपीदार बंदूक और 12 कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस ने अवैध शराब के मामले में कार्यवाही कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने 398 अवैध देसी शराब के पौवे और 20 लीटर अवैध हथकर शराब को भी जब्त किया है। पुलिस ने अवैध जुआ सच्चा के मामले में कार्यवाही कर 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2,82,550 रुपए को जब्त किया, जिसमें कस्बे के कई बड़े नामचीन सटोरिये शामिल है। अवैध खनन के मामलों में पुलिस ने 8 प्रकरण दर्ज कर
LNG मशीन, एक हाइड्रा मशीन सामग्री समेत करीब 14 वाहनों को जब्त किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सरमथा थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। चंबल प्रभार न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। मथुरा थाना क्षेत्र में पदवार के बार आपके द्वारा जो अपराध की रोकथाम के लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई? मेरे चार्ज लेने के बाद से करीब एक्स की कार्रवाई में पैसे की कमी दर्ज हुई है, जिनमें से 13 प्रकरण युवा सट्टा में दर्ज हुए हैं, 29 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और करीब 2,80,000 की लगभग राशि जब्त की गई है। इसके अलावा 8 प्रकरण आरोप से जब्त हुए हैं, जिनमें 7 अवैध देसी कट्टे व 1 कार्बन की गई है। करीब 5 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं और शराब जब्त की गई है। इसके अलावा खनन और अवैध बजरी के परिवहन के संचालन को लेकर 8 प्रकरण दर्ज करे गए हैं, जिसमें LNG मशीन, हाइड्रा समेत करीब 14 व्हीकल अब तक जब्त किए गए हैं। सैपुर उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपुर। हमारा पता है पुलिस थाने के पास धौलपुर रोड सैपुर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैपुर उपखंड में लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना हमारा संयोग नहीं परंपरा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरे से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, शुद्ध पेयजल, विद्यालय कैंपस में विशाल खेल मैदान एवं क्षेत्र के सभी गांव से वाहन सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। परिष्कार विद्यालय बसेड़ी के छात्र छात्राओं ने किया विद्यालय का नाम रोशन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही स्कूलों में रौनक पड़ गई है। वहीं विद्यालयों में शिक्षकों ने छात्रों का उत्साह बढ़ाया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने पर परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी के छात्र छात्राओं ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं कस्बे का नाम रोशन किया। परिष्कार शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मीनाक्षी कुमारी ने 96.67, अवधेश ने 92.50, मनोज कुमार 92.70, विजय सिंह 91.50, अंकित कुमार ने 90.67% अंक प्राप्त करके विद्यालय का गौरव बढ़ाया। वहीं 80 से 90% अंक लाने वाले छात्रों में पवन कुमार 88.17, प्रिंसी गोस्वामी 85.17, तनुजा 83.67, सौरभ 83.17, अंशु परमार 81.67 और राखी ने 81.17% अंक प्राप्त कर विद्यालय, माता पिता, घर परिवार और कस्बे का नाम रोशन किया। विद्यालय परिवार की ओर से मेधावी छात्र छात्राओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया और बच्चों के मनोबल को बढ़ाया गया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कलुआ का पुराना निवासी योगेश कुशवाहा पुत्र मंडल सिंह कुशवाहा ने किया नाम रोशन। मनिया के गांव कलुआ का पुराना निवासी योगेश कुशवाहा पुत्र मंडल सिंह कुशवाहा ने कक्षा 10वीं में 95.50% अंक प्राप्त किए और अपने घर वालों का नाम रोशन किया। छात्र का श्रेय अपने गुरुजन और घर वालों को जाता है। पाठशाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का किया गया स्वागत। राजस्थान बोर्ड द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के बाद विद्यालयों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान आयोजित किया जा रहा है। राजाखेड़ा कस्बे के विचोला रोड स्थित पाठशाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा 10वीं बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा ने तिलक लगाकर, माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मान किया। 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रतिज्ञा शर्मा पुत्री प्रवीण शर्मा ने 98.17 अंक, अजयपाल सिंह 94.67, वसुंधरा शर्मा 94.67,
कृष्णकांत ठाकुर 94.50% अंक प्राप्त करने पर संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा व अन्य स्टाफ द्वारा मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मान किया और सभी बच्चों को बधाई दी। साथ ही जिसने अच्छा प्रदर्शन किया राजाखेड़ा मुख्य बाजार में मेधावी विद्यार्थियों को ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए जुलूस भी निकाला गया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। कलश यात्रा के साथ हुए श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन कलश यात्रा व भागवत कथा की पावन झलकियों के साथ 30 मई 2024 को श्रीमद् भागवत कथा घिरौना मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन आचार्य पंडित योगेश शास्त्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश किया। भागवत कथा में प्रथम दिन सबसे पहले पूजनीय श्री गणेश भगवान के बारे में विधि विधान से बखान किया गया। शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा कोई और नहीं साक्षात श्री कृष्ण का अवतार है। इस मौके पर आयोजक रामजी लाल पांडे, अशोक पांडे, जौरा रोड, पलिया कॉलोनी सहित भक्तगण मौजूद रहे। अंत में महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। माँ भगवती विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तस्सीमो के छात्र छात्राओं ने किया नाम रोशन। धौलपुर माँ भगवती विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तस्सीमो में किया गया 10वीं क्लास में अव्वल आए विद्यार्थियों का सम्मान, जिसमें प्रिंस त्यागी पुत्र नरेश त्यागी की 95.67% पर कशिश त्यागी डॉटर ऑफ नरेश त्यागी सहित अन्य विद्यार्थियों का माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। चिराग ने किया उपखंड का नाम रोशन। आज आरबीएसई द्वारा जारी किए गए 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में कस्बा के सेमिनल इन्फेंट उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथरा के छात्र चिराग शर्मा ने 96.83% अंक प्राप्त कर पूरे सरमथरा उपखंड में प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। साथ ही संदर्भ में छात्र चिराग शर्मा ने बताया कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए उसने नियमित रूप से 10 से 12 घंटे पढ़ाई की और शिक्षा को ही अपना लक्ष्य बनाया। साथ ही छात्र ने कहा कि वो अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को देना चाहेगा, जिन्होंने हर परिस्थिति में उसका हौसला बढ़ाया। वहीं संस्था प्रधान गोविंद शर्मा ने बताया कि आज हमें गर्व हो रहा है कि हमारे विद्यालय के छात्र ने इस मुकाम को हासिल किया है और पूरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। साथ ही चंबल प्रभा न्यूज परिवार की ओर से भी हार्दिक बधाई सहित उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशंस चिराग। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। तो आपने 96.83 जो अंक हासिल किए हैं और सरमथरा उपखंड के अंदर आपने जो प्रथम स्थान हासिल किया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें मेरे अध्यापकों का और मेरे माता पिताओं का बहुत सहयोग है, जिसके चलते मुझे यहाँ तक पहुँचना है। आगे जाकर के आप क्या बनना चाहेंगे? अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सब कुछ मेरी बदौलत नहीं है, इसमें परसेंटेज होती है। 50% में केवल बच्चों को देता हूँ, 50% बच्चों की मेहनत होती है, 25% स्कूल की मेहनत होती है और 25% गार्जियन। अगर भौतिक सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध ना हो पाए तो 25 का ग्राफ मिल जाएगा। टीचर अच्छे ना हो तो 25 का ग्राफ मिल जाएगा। न्यू पब्लिक स्कूल की अक्षरा अग्रवाल ने 98.67% अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया। निवारा पब्लिक स्कूल की छात्र अक्षरा अग्रवाल ने 98.67 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय परिवार की ओर से
अक्षरा अग्रवाल का गर्व जोशी से स्वागत किया गया। विद्यालय के प्रबंधक अभिनव वैरी ने बताया कि विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा में अपना श्रेष्ठ परिणाम देते हुए जिले में स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष विद्यालय की अक्षरा अग्रवाल ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। विद्यालय परिवार की ओर से अक्षरा की माता पिता का विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान किया गया। साथ ही इस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का विद्यालय परिवार की ओर से माला पहनाकर मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। अक्षरा ने बताया कि उसकी इस उपलब्धि में विद्यालय की अहम भूमिका रही है। शैक्षणिक वातावरण काफी उत्तम है और शिक्षकों द्वारा परीक्षा के लिए विशेष तैयारी कराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय के अधिकांश बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। अक्षरा अग्रवाल एंड द स्टूडेंट ऑफ यूएरा पब्लिक स्कूल, आई हैव गॉट 98.67% इन 10th क्लास एंड फॉर दिस आई वांट टू गिव द होल क्रेडिट टू माय पेरेंट्स, टू माय न्यूएरा पब्लिक स्कूल एंड टू माय टीचर्स हु हेल्प मी लॉट इन दिस जर्नी एंड आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर इन द फ्यूचर। गांव बद्रिका की छात्रा राशि त्यागी पुत्री भूरा त्यागी ने 10th क्लास में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बद्रिका में 98.50% अंक प्राप्त किए। राशि ने बताया कि उनके पिता का 2 साल पहले निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी माताजी करती हैं। वो गरीब परिवार से है। वो स्कूल पढ़ने के बाद 7 घंटे घर पढ़ने के बाद जिला टॉप किया और उनका गणित विषय में अच्छी रुचि है। आगे चलकर वो इंजीनियर बनना चाहती है। ये सूचना योगी राज त्यागी राजपुर ने दी। कंग्रेचुलेशंस राशि। राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय धौर्य बसेड़ी के छात्र छात्राओं ने किया नाम रोशन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रवेशिका बोर्ड परीक्षा परिणाम में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय धौर्य बसेड़ी के छात्र जतिन कुमार ने 87.50% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसे लेकर विद्यालय के साथ पूरे धौर्य गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गुरुवार सुबह ग्रामीणों और अध्यापकों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर छात्र जतिन का माला और साफा पहना कर स्वागत किया और मिठाई बांट कर खुशी व्यक्त की। राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय धौर्य बसेड़ी का परीक्षा परिणाम जिले भर में कुल 92.31% के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जिसे लेकर सरपंच संतोष सिंह परमार और सभी धौर्य ग्रामवासियों ने हर्ष व्यक्त किया और अध्यापकों की कार्यकुशलता की प्रशंसा की। संस्था प्रधान रामाशंकर शर्मा ने बताया कि विद्यालय में संस्कृत विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों के पद रिक्त हैं और प्रवेशिका स्तर पर संचालित विद्यालय में सिर्फ 1 संस्कृत वरिष्ठ अध्यापक और 3 तृतीय श्रेणी अध्यापक कार्यरत हैं। फिर अध्यापकों की कार्यकुशलता और मेहनत के बलबूते हर वर्ष बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त किया। छात्र सम्मान समारोह में ग्रामवासियों के साथ साथ अध्यापक राम लखन सिंह, विष्णु कुमार, मनोज राजावत आदि मौजूद रहे। दसवीं के परीक्षा परिणाम में वनस्थली शिक्षा निकेतन धौलपुर ने जिले में बाजी मारी। गणित विषय में 100 में से 100 अंक लाने वाले छात्र नितेंद्र कुमार शर्मा, पुत्र हेम सिंह दुबे, श्रुति डागोर, राज शर्मा, अमृता यादव, क्रिस सिकरवार, सोहानी परमार, हेमा शर्मा छात्रों ने अपने अपने माता पिता व विद्यालय का नाम रोशन किया। धौलपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी दसवीं परीक्षा परिणाम में वनस्थली शिक्षा निकेतन धौलपुर ने एक बार फिर जिले में बाजी मारी। बोर्ड द्वारा जारी दसवीं के परीक्षा परिणाम में वनस्थली शिक्षा निकेतन की छात्रा श्रुति डागोर पुत्री तोरण सिंह डागोर ने 97.17 अंक प्राप्त कर जिले में विद्यालय का नाम रोशन किया। छात्रा ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी नियमित 6 से 7 घंटे की पढ़ाई, विद्यालय के शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन तथा विद्यालय में संचालित सीकर पैटर्न को दिया। छात्रा भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। विद्यालय की ही छात्रा कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96%, कृष सिकरवार 96%, हर सिंह परमार 95.33, अंजलि मीना 94.67, अमृता यादव 94.50, शशांक शर्मा 94.33, मुस्कान ने 94
अंक प्राप्त कर जिले में विद्यालय का नाम रोशन किया। वनस्थली शिक्षा निकेतन ने 12वीं के साथ साथ 10वीं में भी जिले को सर्वाधिक टॉपर्स दिए। विद्यालय के 25 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक बार फिर 12वीं के साथ 10वीं के परिणाम में भी वनस्थली शिक्षा निकेतन की श्रेष्ठता जिले में सिद्ध की है। इसी प्रकार इस विद्यालय में गणित विषय में 100 में से 100 अंक लाने वाले छात्र नितेंद्र कुमार पुत्र हेम सिंह दुबे, गांव मनीराम कापुरा, श्रुति डागुर, राज शर्मा, अमृता यादव, क्रिस सिकरवार, सुहानी परमार, हेमा शर्मा छात्रों ने अपने अपने माता पिता व विद्यालय का नाम रोशन किया। संस्कार पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने किया नाम रोशन। संस्कार पब्लिक स्कूल दारा पैलेस के पास धौलपुर में 10वीं बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र और छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के छात्र आदित्य गोस्वामी ने 94.67% अंक प्राप्त किए। इसके साथ ही रौनक ने 94.50, सोनी गोस्वामी ने 90.50, शबनम कुमारी ने 90.50, रोहित ने 88.83, सुशील डागुर ने 79 और तरुण जादौर ने 76.83 अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक जितेंद्र कुमार शर्मा सहित विद्यालय के स्टाफ केदारनाथ शर्मा, महेंद्र सिंह, मदन मोहन रणावत, अजय सोलंकी आदि मौजूद रहे। विद्यालय संस्थापक ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और साथ ही माता पिता, शिक्षक और संपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का शुक्रिया अदा किया। धौलपुर से सुखदेव कांगोलिया की रिपोर्ट। धर्म के मार्ग पर चलने से होता है कल्याण। संत हरिगिरि महाराज 21 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। श्री श्री 1008 श्री संत शिरोमणि हरिगिरि महाराज के सानिध्य में चल रही देवी भागवत कथा तथा शिव महापुराण का आज 20वें दिन शिव पूजन के साथ कथावाचक आचार्य श्याम शरण पारासर के मुखारविंद से देवों के देव महादेव और पार्वती मैया का विधि विधान से भक्तों के द्वारा शिव पूजन किया गया। आचार्य शास्त्री ने कहा कि पृथ्वी पर जब जब अधर्म हुआ है, जब जब भगवान ने अवतार लिया है। भागवत कथा में आचार्य शास्त्री ने शिव पूजन के बाद शिव विवाह का वर्णन किया और कहा कि पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से 7 वचनों को भरवरा एवं भोलेनाथ ने मैया पार्वती से 4 वचनों की ही हाँ करवाई। कहा कि जिंदगी एवं भविष्य में कोई भी कार्य पति पत्नी के बिना मर्जी से नहीं करनी चाहिए और पति को कोई भी कार्य करने से पहले अपनी धर्म पत्नी से राय लेनी चाहिए और पत्नी को भी भगवान रूपी पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और बिना बुलाए अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए। इस उपरांत कथा परीक्षित श्री श्री 1008 श्री संत शिरोमणि हरिगिरि महाराज ने आने वाले भक्तों व श्रद्धालुओं को बताया कि हमारा भागवत करना इसका मुख्य उद्देश्य नशा छोड़िए, छुड़वाइए, स्वस्थ समाज बनाइए, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज को बंद करो, स्वस्थ रहो, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। 21 दिवसीय चल रही देवी भागवत एवं शिव महापुराण का समापन किया गया। संत हरिगिरि महाराज ने धौलपुर वासियों से आज दिनांक 30 मई को विशाल भंडारे में आने का निमंत्रण किया। इस उपरांत महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर जनगिरि महाराज, भरतगिरि महादेव, गिरी भोपाल, गिरी गोविंद, गिरी राजेश शर्मा, बद्रीप्रसाद शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, अंकित गुर्जर सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांगपोलिया की रिपोर्ट। जय श्री राम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। महाराज जी, अपना यज्ञ चल रहा है जी, आपके सानिध्य में ईश्वर की कृपा से। इस यज्ञ के बारे में जो भागवत चल रही है, जो आपकी कृपा से हो रही है, इसके बारे में बताओ कुछ अपने विचार। हमारा विचार यह है कि भागवत भंडारे, हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वो चलने चाहिए और यथावत चलने चाहिए, लेकिन हमारा मतांतर भेद कुछ और है। हमारा लक्ष्य भागवत कथा भंडारे या चंदा इकट्ठा नहीं है,
हमारा मूल उद्देश्य नशा मुक्त समाज, सभ्य समाज, व्यसन मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज है। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर के ये भागवत भंडारा और समाज एकत्रित हो रहा है। हमारा विचार ये है कि जब समाज नशा से दूर होगा तो समाज सुधरेगा, देश विकास करेगा। अगर हम नशा में लिप्त हैं और नशा में औंधे मौं पड़े हुए हैं तो औंधे मौं हमारा विकास नहीं रहेगा। तो हमारा मुख्य लक्ष्य इन भागवत कथाओं के द्वारा समाज को इकट्ठा करना और अपना संदेश समाज तक पहुँचाना है। राजू जी, भागवत कई तारीख तक चलेगी अपनी? आप सभी से प्रार्थना है भैया, 30 तारीख गुरुवार को आप सभी यहाँ आएँ। सभी का चूल का निमंत्रण है, जो ग्रामीण भाषाओं कहते हैं, और 29 तारीख को इसका समापन है, 30 को भंडारा है। सो आप सभी से करवट प्रार्थना है, माता बहनों से, बालकों से, वृद्धों से, युवाओं से, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा। हीटवेव और बढ़ती गर्मी को लेकर नगरपालिका ईओ का नगरपालिका क्षेत्र के दौरे पर एक बसेड़ी में हीटवेव व बढ़ती गर्मी को लेकर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी योगेश कुमार पेपल ने नगरपालिका क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही नगरपालिका बसेड़ी के द्वारा शीतल पेयजल हेतु बनाई गई झोपड़ी नुमा प्याऊ का निरीक्षण किया और स्वयं ने पानी पीकर जाना पेयजल व्यवस्था की जानकारी। साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में कराए जा रहे नाला सफाई कार्य का भी किया निरीक्षण और नगरपालिका कार्मिक कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, पत्थर ब्लॉक से भरे ट्रक को किया जब्त, चालक फरार। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए एक ट्रक संख्या RJ11GC5508 को 6 ब्लॉक नुमा पत्थर से भरे हुए को नाकाबंदी के दौरान सोने के गुर्जा मोड़ से जब्त किया है। साथ ही चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिस पर पुलिस ने फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया व फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है। कार्यवाही में थाना प्रभारी गौरव कुमार, विशाल सिंह, समुद्र सिंह, भागीरथ सिंह, योगेंद्र सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। चंबल प्रभार न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बसेड़ी कस्बे में श्री केला देवी फाउंडेशन स्थापित कर रही है नए आयाम, लोगों के लिए प्याऊ व बेजुबान पशु पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। पूरे उत्तर भारत में इस समय गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है, लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। ऐसे में कई समाजसेवी संस्थाएं अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में श्री केला देवी फाउंडेशन पिछले 3 वर्षों से समाज की सेवा का कार्य कर रही है। लोगों की पेयजल की समस्या को देखते हुए संस्था ने ठंडे पानी की प्याऊ खुलवाई है। श्री केला देवी फाउंडेशन जिला समन्वयक चंद्रकांत पारासर बसेड़ी ने बताया कि वर्तमान में यह संस्था बेजुबान पशु पक्षियों के लिए जगह जगह परिंडे बांध रही है और दाना पानी की व्यवस्था कर रही है। टीम में संस्था के अध्यक्ष तेज सिंह और दीवान सिंह, पीओ हकीम सिंह मीणा, सचिन बंसल, चेतन अंकित सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर युवा कमेटी जारौली के युवा नेता धर्मेंद्र सिंह लोधा ने राज्य में चल रही भीषण गर्मी के चलते बेजुबान पक्षियों के पीने के लिए परिंदे बनवाए और लोगों से भी अपील की है कि इस कठिन ग्रीष्म ऋतु में पशु पक्षियों और जानवरों के पीने के लिए पानी के साधन की व्यवस्थाएं करवाए। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पशु पक्षी कभी बोल नहीं सकते, इसलिए उनकी भावनाओं को समझकर उनकी सुरक्षा और व्यवस्था करना मनुष्य जाति का धर्म है। इस मौके पर धर्मेंद्र सिंह लोधा, दिव्यांश लोधा, हितेश लोधा, शाहिल खान, देवेश लोधा, रमाकांत लोधा, रहीस खान, दीपक लोधा, मोहित लोधा, विष्णु लोधा, किशन तेनगुरिया और युवा कमेटी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंबल प्रभा खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभा। धन्यवाद।